चलो हेडिंग लिख लो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक बात देखो इसमें, अगर हम लोग सिलिकॉन एटम अगर कंसीडर करें तो सिलिकॉन एटम में क्या रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन जो था उसका कल हमने देख लिया था। इसमें एक जो सिंगल एटम जो रहेगा वो नेबरिंग एटम से कितने बॉन्ड बनाता है, चार, चार कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ऐसे ही। अब इस केस में यहाँ पे अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो इस वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले से और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले से बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। अब होगा क्या कि मैंने बताया था कि कल टी इक्वल्स टू जीरो केल्विन पे अगर हम लोग बात करें तो टी इक्वल्स टू जीरो केल्विन पे, बेटा आज तो दूसरी क्लास है, अब खत्म होने की बात पूछ रहा हूँ, सात आठ लेक्चर तो एटलीस्ट लगेगा ही। तो देखो आप लोग की क्लास होगी ना वो मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी रखवा दूंगा, ठीक है, ताकि जल्दी खत्म हो जाए। अब देखो यार, तो ये जो सिलिकॉन एटम है जैसे हम लोग अगर टी इक्वल्स टू जीरो केल्विन पे अगर बात करें तो टी इक्वल्स टू जीरो केल्विन पे सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, वैलेंस बैंड, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट नहीं रहता। लेकिन जैसे ही मान लो अगर T इक्वल्स टू ग्रेटर देन अगर जीरो केल्विन अगर टेम्परेचर होता है तो उस केस में क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो थर्मल एक्साइटेशन के कारण बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। होता ये कि जैसे ही मान लो अगर ग्रेटर देन जीरो केल्विन हुआ तो उसके लिए कुछ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपना बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। अब जैसे ही होता क्या है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या वहां पे एक होल क्रिएट होगा। अगर इस केस में देखें कि जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर बाहर ये बॉन्ड ब्रेक करके अगर बाहर चला जाए, यानी किस में जा रहा है, कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में जाए तो हमारे पास कंडीशन अब कैसी आएगी कि ये सिलिकॉन यहाँ पे भी सिलिकॉन एटम यहाँ पे भी सिलिकॉन। तो एक बार देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा फॉर T इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 केल्विन के लिए, तो अब कैसा केस होगा कि ये जो एटम ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक दूसरे से बॉन्ड बनाए रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाए रहेंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह एक होल क्रिएट होगा, एक होल क्रिएट होगा। अब यहाँ से अगर देखिए ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा, बना हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इस केस में अब हमारा क्या होगा, एक होल यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इस केस जो भी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होंगी जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम या कोई भी अगर हम लोग देखे तो उस केस में जो चार्ज कैरियर के तौर पे आएंगे वो हमारा कौन सा होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा कौन सा होल्स, ठीक है। होल्स वही हुआ कि जैसे मान लो अभी देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड ब्रेक करके अगर बाहर निकल गए अगर ग्रेटर देन अगर जीरो केल्विन, जब अगर जीरो केल्विन की बात होगी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वैलेंस बैंड। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जैसे ही अगर ग्रेटर देन जीरो केल्विन पे होगा तो क्या होगा, थर्मल एक्साइटेशन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे वैकेंट प्लेस क्रिएट होगा और इसी वैकेंट प्लेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, होल्स का। इसी वैकेंट प्लेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, होल्स का। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होंगे उस केस में जो चार्ज कैरियर जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरा कौन सा, होल्स। अब एक बात बताते हैं, अभी जैसे इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर जो भी होगा ना, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग देख रहे हैं तो उस इसमें कैसे चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन का अगर एक डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा तो अभी होल्स कैसा दिखेगा, अब मुझे डायरेक्शन में नहीं होता। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो होल्स जो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए देखेंगे। हाँ ऑब्वियसली अभी दिखाएंगे उस चीज को, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना करके अभी दिखाएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो होल्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता, यही हम लोग मानेंगे कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में होल्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब एक बात पहले इस पॉइंट को लिख लो तब तक स्ट्रक्चर बना।
किसमें बॉन्ड ब्रेक होता है ना, अब एक बार देखो ना जैसे ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके तो यहाँ पे वैलेंस प्लेस क्रिएट किसका, ये वाला यहाँ पे बस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये होल्स यहाँ पे, ये इस वाले जगह पे होल क्रिएट हुआ है, बाकी इसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो रहेगा, ये बॉन्ड अपने पास ये ऐसा नहीं कि बॉन्ड ब्रेक ये दिखाया हुआ है, बस यहाँ पे होल क्रिएट हुआ है, ये सिलिकॉन भी तो अपने आस पास के तीन चार इलेक्ट्रॉन तीन चार सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बनाए रहेगा, ऐसा थोड़ी कि इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसके साथ नहीं बना है, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बाहर निकल गया, इसके साथ नहीं बना रहा, ठीक है चलो लिख लो पहले इसके बारे में, हाँ बॉन्ड टूटने की वजह से ही चला गया, क्योंकि थर्मल एक्साइटेशन कब होगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे, और एक बार देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा या नंबर ऑफ होल्स जो होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, इस बात पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा, और उस केस में क्या होगा उतने ही नंबर ऑफ ज्यादा नंबर ऑफ होल्स होंगे या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है चलो लिख लो, इसमें डालते इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसमें डालो ये चीज निकालने की तो जरूरत है नहीं, कि अपने पास सिलिकॉन के चार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार बॉन्ड बनाते, लिखो एट टी इक्वल टू एट टी ग्रेटर देन जीरो केल्विन, एट टी ग्रेटर देन जीरो केल्विन सम इलेक्ट्रॉन ब्रेक देयर बॉन्ड, सम इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक देयर बॉन्ड due to thermal excitation and a vacant place will be created at that place, a vacant place will be created at that place and this vacant place is called holes, yeah this vacant place is called holes, this vacant place is called holes, isko likho, charge carrier in case of semiconductor will be electrons and holes, charge carrier in case of semiconductor will be electrons and holes, will be electrons and holes, इसको लिखो the amount या the number of free electrons and holes will depend upon temperature. चलो अभी एक बार देखो ये वाला डायग्राम बना लेना, अभी रुक जाओ इसके लिए साथ में जगह छोड़, एक बार देखो कि जैसे मान लो होगा कि इंटर जैसे ही ग्रेटर देन जीरो केल्विन हुआ तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करेंगे, अब मान लेते हैं कि एक जगह पे कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है एक इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड ब्रेक वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं बाहर निकल चुका है, ठीक है अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या ये इसको इलेक्ट्रॉन एक चाहिए, इस सिलिकॉन एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो यहाँ से यहाँ पे आ जाए, तो अब क्या केस होगा यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, अब जैसे ही मान लो कि ये अगर होल क्रिएट हुआ तो क्या यहाँ से हम लोग देखें कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आ सकता है, तो क्या ये होल यहाँ पे फिर आ जाएगा, हम लोग एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स की ले रहे हैं हम लोग, ठीक है एक होल क्रिएट हुआ है उस चीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं,
और एक और चीज जो हम लोग इस वाले होल के लिए इस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये होल यहाँ से इस वाले इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाए, यहाँ जो होल क्रिएट हो वो इस वाले इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाए, यहाँ जो होल क्रिएट हो वो इस वाले इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। बस अब मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं इस तरह से कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर एक जगह से निकला तो यहाँ होल क्रिएट हुआ, इसको फिलअप करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहाँ होल क्रिएट हुआ, इसको फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया और होल यहाँ से आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुआ ये चीज? अब होगा क्या? हाँ, ऐसे मूवमेंट हो सकता है, मतलब ये एग्जाम्पल में मान रहा, बाकी होने के लिए ये चीजें एकदम रैंडम होती है, रैंडम होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके इसकी जगह को फिल करे, ये फिर इसकी जगह कोई ये वाला फिल कर सकता है, तो ये रैंडम होता है, मतलब ये फिक्स नहीं बोल सकते कि यही वाला जाएगा, वो चीज की बात हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि अब इस केस में जो मूवमेंट देखेंगे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो होगा तो होल कैसे दिखेगा? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा ये। हाँ, थोड़ा सा एकदम और क्लैरिटी अगर देखना है, जैसे मान लो अगर हम लोग ऐसे कंसिडर करें कि यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, ठीक है, यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, अब मान लो कि यहाँ से जैसे ही अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे होल, फिर इस होल को फिलअप करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे होल क्रिएट हुआ, फिर इस होल को फिलअप करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे होल, तो क्या होल का मूवमेंट इधर की तरफ और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर की तरफ, ये दिखेगा आप लोगों को। तो ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, लेकिन जो टेम्परेचर जो होता है उस टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन या होल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब ग्रेटर देन 0 केल्विन पे भी ऐसा नहीं होता है कि, तो मतलब जैसे इनकी जो डेंसिटी होती है वो लगभग होती है 10^16 पर मीटर क्यूब कुछ करके, ठीक है, 10^16 पर मीटर क्यूब इतने नंबर होते हैं, जबकि कंडक्टर के लिए होता है 10^29 पर मीटर क्यूब, तो है तो क्या काफी ज्यादा डिफरेंस। तो इस केस में जो होता है कि इतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स नहीं होते कि सफिशियंट फ्लो हम लोग ऑब्टेन कर सके, ठीक है, तो अब हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। सेमीकंडक्टर ऐसा नहीं होता है कि सिलिकॉन मटेरियल लिया, सिलिकॉन लिया या जर्मेनियम लिया और जैसे ही कनेक्ट करना कनेक्ट किए चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाता तो वो कंडक्टर ही हो जाता, तो हम लोग को इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, फ्लो इम्प्योरिटी ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ सके, कंडक्टिविटी यानी जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है वो इंक्रीज हो सके। अभी देखेंगे कि कैसे चार्ज कैरियर की डेंसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन हमारा मेन जो मकसद होता है वो क्या होता है कि चार्ज कैरियर की डेंसिटी इंक्रीज करना, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। और जो सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पहले एक काम करो, फटाफट ये दोनों नोट करो, उसके बाद हेडिंग डालो एक्सट्रिंसिक अवेलेबल, तो इंट्रिंसिक है। हाँ, ये जो है ना नेचर में अवेलेबल है। हाँ, नेचर में अवेलेबल, मतलब प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है उसी को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंप्योर, हां इंप्योर जो रहेगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाँ, डायग्राम ड्रॉ करना है, इम्प्योरिटी बेटा हम बताएंगे और चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, ठीक, फटाफट ये दोनों डायग्राम जल्दी से ड्रॉ करो। आपको इस वाले पार्ट में मैं बोल रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बॉन्ड ब्रेक करके चला गया, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करके चला गया तो उस केस में यहाँ पे एक होल क्रिएटेड है पहले से, अब इस होल को इस वाले सिलिकॉन एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ से, तो फिर यहाँ पे होल क्रिएट होगा, अब जैसे यहाँ पे होल क्रिएट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो होल कहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे, तो जैसे यहाँ से देख सकते हैं कि इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है, होल्स का फ्लो इधर हो रहा है, ठीक है, तो इस कारण से बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आता है अपने को, लेकिन हमें इस चीज को इतना सफिशियंट नहीं होता है कि हम किसी डिवाइस के अंदर यूज कर सके। चलो लिखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखो द नंबर ऑफ, जैसे लिख लो कंडक्टिविटी ऑफ सेमी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर,
कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. सो टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी some impurities are added to it. To increase its conductivity, some impurities are added to it. Some impurities are added to it. This process is called doping. This process is called doping. And the semiconductor obtained, and the semiconductor obtained by this process, semiconductor obtained by this process is called extrinsic semiconductor. Is called extrinsic semiconductor. चलो अब एक बार देखो, यहाँ पे हम लोग जो इम्प्योरिटी के तौर पे जो है वो दो तरीके का जो एटम यूज कर सकते हैं, ठीक है. इम्प्योरिटी का मतलब मकसद हमारा क्या है कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा, कंडक्टिविटी इन द सेंस कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर या चार्ज कैरियर की डेंसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है. तो दो तरीके का एटम यूज कर सकते हैं, एक हमारा कौन सा होगा ट्राइवेलेंट, एक हम लोग यूज कर सकते हैं कौन सा ट्राइवेलेंट. और ट्राइवेलेंट एटम के तौर पे जो हम यूज करेंगे वो एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम, ठीक है. और वही एक हम लोग यूज कर सकते हैं पेंटावेलेंट एटम, एक हम लोग यूज कर सकते हैं पेंटावेलेंट एटम, ठीक है. इसके लिए तौर पे फॉस्फोरस ये, और ये हम लोग कौन सा एस बी एंटीमनी होता है, ये होता है. तो ये फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक और एंटीमनी ये यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. अब ये जो भी हम लोग जो इम्प्योरिटी या इनको जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि या डोनर या एक्सेप्टर एटम या फिर ऐसे इम्प्योरिटी एटम होगा इन जनरल बोले, तो ये जो इम्प्योरिटी एटम जो होते हैं ये इसके खास बात ये होनी चाहिए कि इसका जो साइज होना चाहिए वो सेमी कंडक्टर के एटम के साइज के बराबर होना चाहिए, उससे ही आसपास होना चाहिए. अदरवाइज जैसे मान लो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि इसको अगर हम लोग डोपिंग जो करेंगे या इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इसको ये क्या करेगा कि एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करेगा. यहाँ जो इम्प्योरिटी ऐड करने वाले हम लोग जो भी इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं तो ये जो इम्प्योरिटी जो ऐड करेंगे तो जैसे मान लो इस वाले सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करके हम यहाँ पे क्या करेंगे जो भी इसमें से कोई भी एक एटम हम लोग इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है. तो ऑब्वियस बात है ये जो इम्प्योरिटी जो हम लोग ऐड करने वाले हैं उसकी साइज किसके बराबर होना चाहिए, तो ये जो हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके एटम के साइज के बराबर होना चाहिए, ठीक है. तो ये अब एक बार देखो, एक दो तरह के एटम यूज कर सकते हैं ट्राइवेलेंट और दूसरा कौन सा पेंटावेलेंट. ट्राइवेलेंट मतलब ये क्या है, इसके आउटर ऑर्बिट में कितने तीन और इस वाले में पांच, ठीक है. और इसका जो साइज होना चाहिए वो किसके साइज के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एटम के साइज के बराबर. लिखो बाकी वैलेंसी वाले डाइवेलेंट में जैसे दो हो जाएंगे अपने पास यहाँ पे. अभी देखें कि ट्राइवेलेंट वाले से क्या मिलने वाला है, पेंटा वैलेंस से हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है. अब यहाँ से लिखो सिलिकॉन और जर्मेनियम का होगा बेटा, यहाँ से ठीक से एक बार चेक कर लो. नहीं तो अगर ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे मान लो सिलिकॉन की जगह जैसे मान लो जर्मेनियम का अगर बोरॉन के साथ है तो बोरॉन उसके साथ नहीं करेंगे, एल्युमिनियम का वो उसके साथ कर सकेंगे. मतलब ये है कि ये तीनों ये जो छह हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है. अब सबका सब में करें ऐसा जरूरी नहीं. चलो लिखो कि एज एन इम्प्योरिटी, एज एन इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट एटम और पेंटावेलेंट एटम्स कैन बी यूज्ड. As
एन इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट एटम्स और पेंटावेलेंट एटम्स कैन बी यूज। इम्प्योरिटी एटम्स आर ऑल्सो कॉल्ड डोपेंट। These impurity atoms are also called dopants. और एक बार पढ़ लो, साइज ऑफ दिस एटम, साइज ऑफ दिस डोपेंट, साइज ऑफ दिस डोपेंट शुड बी सेम एज दैट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम। साइज ऑफ दिस डोपेंट शुड बी सेम एज दैट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम। चलो ये लिख लो, ट्राइवेलेंट के तौर पे ये यूज करते हैं, पेंटावेलेंट के तौर पे ये यूज करते हैं। चलो लिखो इसके बाद, अब इसके बाद देखो, जैसे मान लो अगर हम लोग पहले जो कर रहे हैं कि जो अगर सिलिकॉन एटम जो भी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी ले रहे हैं, इम्प्योरिटी के तौर पे अगर हमने मान लो पेंटावेलेंट एटम ले लिया, ठीक है, तो पेंटावेलेंट एटम अगर यूज करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनता है वो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा? एन टाइप। और वही अगर हम लोग यूज करते हैं ट्राइवेलेंट तो उस केस में बनता है कैसा सेमीकंडक्टर? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले हेडिंग डाल लो आप लोग, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। हेडिंग डाल लो एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहां से देखो, अब इस केस में ये कब बनेगा? जब हम लोग एक पेंटावेलेंट एटम ऐड करेंगे तो होगा क्या कि जैसे मान लो हमने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है, उसके अंदर ये जो ऑर्सेनिक हम लोग अगर इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ये कैसा है? पेंटावेलेंट है। अब ये होता क्या है कि ये जो ऑर्सेनिक है इसके चार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पास के चार सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा वो अनबॉन्डेड रहेगा। हाँ, ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या रहेगा? वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड अगर नहीं बनाएगा तो ये क्या काफी वीकली अटैच्ड होगा एटम के साथ? कैसे अटैच होगा? वीकली अटैच होगा। और वीकली अटैच होगा तो क्या इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी? अरे हाँ, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो भी कम होगी। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो कम होती है तो ये लगभग देख लो कि सिलिकॉन के लिए ऑलमोस्ट जो होता है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, और जर्मेनियम के केस में अगर हम इंसर्ट करें आर्सेनिक को तो ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। सोचो कितना कम है। अगर ये जो हम लोग देख रहे हैं कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, तो ये अगर जैसे मान लो सिलिकॉन के अंदर इंसर्ट करते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसके बराबर, और जर्मेनियम के अंदर 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब सोचो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है इतनी एनर्जी थर्मल एक्साइटेशन से भी गेन कर सकता है? कर सकता है। तो जैसे ही थर्मल एक्साइटेशन से अगर गेन करेगा तो ये क्या कर देगा कि ये जैसे थर्मल एक्साइटेशन के कारण ये वाली एनर्जी जैसे ही गेन करेगा ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक कर देगा। हाँ, अब जैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज? इसके ऊपर कैसा चार्ज? अरे अगर जैसे ही मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर जैसे ही बॉन्ड अगर ब्रेक कर रहा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अरे आएगा ना भाई, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी अब कैसा केस होगा कि ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, एक होल क्रिएट होगा। अरे हाँ, अगर इस केस में हम लोग देखें, यहाँ से ध्यान से देखना इस चीज को, तो ये अगर हम लोग बनाए इसके बाद जैसे अगर इलेक्ट्रॉन अगर ब्रेक हो जाए
अगर बॉन्ड ब्रेक करके अगर जाए तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, ये तो चार बॉन्ड ये बनाए रखे हुए रहेंगे, ये सिलिकॉन के साथ, ये भी सिलिकॉन के साथ, ये भी बॉन्ड सिलिकॉन के साथ और ये भी बॉन्ड सिलिकॉन के साथ। लेकिन क्या यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा? अरे हाँ, ये होल क्रिएट होगा, लेकिन इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज है भाई, क्या ये हमारा कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता नहीं, है नहीं, नहीं कर सकता है। ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इमोबाइल आयन। क्या बोलते हैं? इमोबाइल आयन बोलेंगे। ये जो आयन है वो मूवेबल नहीं है। अब होगा क्या कि जैसे यहां से अगर देखें तो यहां एक मिनट, ये हम लोग देते हैं ये होल के बाद, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे ही जाएगा तो हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या उसमें बाहर की तरफ बढ़ेगा। जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो जाएगा वो हमें क्या चार्ज कैरियर की तरह यूज कर सकते हैं उसको, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, अब होता क्या है कि इस चीज को ये जैसे अगर मान लो देखे तो यहाँ पे ये जो हमने जो पेंटावेलेंट जो डोपिंग की है उस केस में हम कैसे कैसे एटम आ रहे हैं, सॉरी कैसे कैसे चार्ज कैरियर आएंगे, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनने प्रोवाइड किए हैं डोपिंग के कारण, जो इम्प्योरिटी एटम जो होंगे वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे उसके कारण हमें ये चार्ज कैरियर मिलेगा। अरे हाँ जी, उसके कारण मिलेगा। उसके अलावा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो या नंबर ऑफ होल्स जो रहेंगे वो इंट्रिंसिक वाले में जो प्रेजेंट रहेंगे वो भी प्रेजेंट रहेंगे, तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर का जो फ्लो होगा वो या जो कंडक्शन होगा उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एक तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि ये प्रोवाइड करेगा, अरे हाँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर का कौन सा? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। और इसके ऊपर कैसा चार्ज जाएगा? यहाँ पे एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा क्या वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ, वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ या डेंसिटी ऑफ होल्स? जितने ज्यादा जो एटम हम लोग जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी एड करेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले जो था जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा क्या उसके लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इक्वल्स टू होल्स का कंसंट्रेशन लिख सकते हैं? अब एक बार देखो, जैसे इम्प्योरिटी अगर ऐड हुई तो हर एक एटम जो होगा वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन जब प्रोवाइड करेगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी किससे, होल्स की डेंसिटी से। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे कैरियर होंगे, मेजॉरिटी कैरियर। कैसे होंगे? मेजॉरिटी कैरियर। और होल्स जो होगा वो कैसा होगा? होल्स जो होंगे वो कैसे? माइनॉरिटी कैरियर। ये चीज क्लियर हो? होल्स जो होंगे वो कैसे? माइनॉरिटी कैरियर होंगे। अब एक और बात होगी कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसका, उसकी जो कंडक्टिविटी थी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक होगा उसका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो तुमने जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड कर दी क्या उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड कर दी उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। यार एक साइड करने के लिए बहुत छोटा कम ही तो टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए कोई ऐसा थोड़ी 50-60 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, वो तो टेम्परेचर तो बहुत कम से ही इंक्रीज करना है, वो तो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। ये बेसिकली ये जो डिफरेंस है वो रूम टेम्परेचर पे ही वो गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमें चाहिए ये वाली एनर्जी देने के लिए। ठीक है, तो अब एक बार देखो, रूम टेम्परेचर पे ही अगर ये गेन कर दे रहे हैं तो चाहे उसे टेम्परेचर बढ़ाओ या ना बढ़ाओ कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन काफी सफिशियंट अमाउंट में हो गए, हो गए। तो इसलिए हमारे पास जो एक्सट्रिंसिक जो सेमी कंडक्टर होगा उसमें जो चार्ज कैरियर होंगे क्या वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे? नहीं करेंगे। उसके जो चार्ज कंडक्टिविटी होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, जबकि इंट्रिंसिक का करेगा। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं वो चीज देखिए। ये हमारा जो सेमी कंडक्टर बना उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्यों?
क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है किससे, होल से। देखो यार अब इसके अंदर क्या क्या रहेगा, तो यहाँ से देख लो, एक तो हमारे पास ये जो एटम हो रहा है, इस एटम को हम लोग नाम देते हैं डोनर एटम। क्या नाम देते हैं? डोनर एटम। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन। समझ आया कैसे बनाना है? ये देखो बंदी हो गया, ये सही है ना? चलो देखो अब इधर जहाँ से देखो, अब इसमें हम हटा, इधर देखो इस वाले केस में, ये हमारा जो सेमीकंडक्टर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो हमारा जो एटम है, जो डोनर एटम, ये डोनेट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हम लोग इस डोनर एटम को डिनोट करते हैं वो कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और ये डोनेट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ पे कुछ इस तरह के चार्ज कैरियर रहेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर के अंदर, तो जो इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स जो मिले, तो होल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये एक बार देखो, जो ये वाले पार्ट होंगे इनकी संख्या ज्यादा हुई थी हमने बना दिया, इसके अलावा कुछ होल्स बना दिए, एक दो होल और एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, बात करना है, चले जाओ बात बात करना तुमको, तो चुपचाप रह लो। ये हमारे कौन से, ये हमारे डोनर एटम है, ये हमारे कौन से डोनर एटम, ठीक है, और ये जो है वो कौन सा है, होल्स और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, होल्स और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, और ये जो है ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ ये? तो जो एन टाइप है वो हमने ये इनकी संख्या में से ज्यादा, से ध्यान रखना कि ये ज्यादा बनाने अपने को, क्योंकि इम्प्योरिटी से हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो ज्यादा होंगे, और ये जो सॉरी इम्प्योरिटी से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो ज्यादा, और इंट्रिंसिक से कम मिलेंगे। ठीक है, चलो लिखो अब इसके बारे में, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये इतना नीचे नहीं लिखेंगे, ये मैंने लिखा डोनर एटम, ये हमारा होल्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो लिखो, यहाँ पे लिखो एन टाइप सेमीकंडक्टर, चलो लिखो, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेंड, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेंड व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद पेंटावेलेंट एटम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेंड व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद पेंटावेलेंट एटम। उसके बाद लिखो फोर इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेंटावेलेंट एटम, फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेंटावेलेंट एटम फॉर्म्स फोर बॉन्ड विद, फॉर्म्स फोर बॉन्ड विद फोर नेबरिंग एटम ऑफ सेमीकंडक्टर, फोर नेबरिंग एटम ऑफ सेमीकंडक्टर, बट फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, थोड़ी ज्यादा लिख लिया अपने, बट फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनबॉन्डेड, remains unbonded, हाँ fifth electron remains unbonded, which is weakly attached to impurity atom, which is weakly attached to impurity atom, which is weakly attached to impurity atom. It means its ionization energy is very less.
इट मीन्स इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लेस. Which can be obtained even at room temperature also. यहाँ पे लिखना for silicon this one or for germanium is 0.01 electron volt. For silicon 0.05 electron volt. For germanium 0.01 electron volt. इसके बाद लिखो दिस इम्प्योरिटी एटम. एक मिनट हो जाए. एज इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स द बॉन्ड एज द इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स द बॉन्ड देन इट बिकम्स फ्री देन इट बिकम्स फ्री and impurity atom gets positively charged मैं पूछ रहा था कि जब सिलिकॉन के अंदर डोप करेंगे आज ये तो उसका है नहीं हां ये पॉजिटिव है. हां गाली का था ये दोनों डायग्राम बनाने के लिए जगह छोड़ देना और उसके बाद लिखो here the number of the ऐसे देखो in this type of semiconductor free electrons density is very very greater than holes density. Free electrons density is very very greater than holes density. That's why free electrons will be majority charge carrier. And holes will be minority charge carrier. Minority charge carrier. Conductivity of requirement. लिखो. जैसे लिखो. That's why it is called n-type semiconductor. क्योंकि number of free electrons होते हैं वो majority होते हैं. That's why it is called. N type वैसे लिखा हुआ था मैंने कैपिटल N डॉट टाइप लिखा हुआ दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड N type सेमीकंडक्टर. और इसके बाद लिखो क्या था N type का मतलब नेगेटिव चार्ज है. हां नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज में बात देखो. और एक और पॉइंट लिखो इसमें कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. Conductivity of extrinsic semiconductor. क्या रिपीट करना है बस लास्ट पॉइंट क्या था. That's right, it's called number of free electrons. Yeah, electrons density is very very greater than किससे holes density. That's why electrons will be majority charge carrier and holes will be minority charge carrier. That's why it is called n type semiconductor. लिखो आगे उसके बाद. Conductivity of extrinsic semiconductor does not depend upon temperature. Conductivity of
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन डोपिंग लेवल, इट डिपेंड्स अपॉन डोपिंग लेवल। क्लियर है ये चीज सभी को? चलो अब ये लिख लो अपने पास, रिप्रेजेंटेशन है ये चीज एन टाइप सेमीकंडक्टर का। ये एक और पॉइंट लिखो, फॉर कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इम्प्योरिटी ऑब्टेंड फ्रॉम इम्प्योरिटी एटम्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेंड फ्रॉम इम्प्योरिटी एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर ऑफ एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर सॉरी इंट्रिंसिक डिपेंड्स अपॉन डोपिंग लेवल। उसके बाद लिखो, फॉर कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेंड फ्रॉम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन होल पेयर ऑब्टेंड फ्रॉम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑब्टेंड फ्रॉम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। फोर कंडक्शन लिखा है इधर, आई थिंक व्हाई फोर कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑब्टेंड फ्रॉम इम्प्योरिटी एटम्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर ऑफ इंट्रिंसिक। चलो नोट कर लो इसको, फटाफट ये नोट कर लो, ये एनए मेरे मेरे ग्रेटर देन एनएच लिख लेना, बस लिखा दिया मैंने, ये पूरा जल्दी बनाओ उसको, बस पी टाइप ही खत्म करना है। यहां से लास्ट वाले डायग्राम में ये जो लेबलिंग दिया हो, ये डोनर एटम है, यहां पे होल्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।